दोस्तों, 1224 किलोमीटर लंबा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जो गुजरात के व्यस्त बंदरगाहों को पंजाब के औद्योगिक और कृषि केंद्रों से जोड़ता है, सितंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्य रूप से 277 किलोमीटर लंबे बीकानेर से जोधपुर कॉरिडोर के खंड को 2022 के अंत तक पूरा करने और जनता के लिए खोलने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेसवे परियोजना को अपनी भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में लिया है और इस परियोजना का काम 2019 में शुरू हुआ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरते हुए यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर अमृतसर और जामनगर के बीच की दूरी को 1430 किलोमीटर से घटाकर 1256 किलोमीटर कर देगा और यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर लगभग 13 घंटे कर देगा। 917 किलोमीटर लंबे 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के अलावा 1224 लंबे गलियारे में मौजूदा राजमार्गों को आवश्यकता अनुसार 4 या 6 लेन पर अपग्रेड करना शामिल है। अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर 26,000 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत से विकसित किया जा रहा है और यह अमृतसर भटिंडा संगरिया बीकानेर सांचौर समखियाली कांडला और जामनगर के आर्थिक शहरों को जोड़ेगा। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NHAI द्वारा विकसित किए जा रहे सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में से एक का निर्माण पूरी क्षमता से किया जा रहा है। पूरा कॉरिडोर सितंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उन्होंने कहा कि अमृतसर से भटिंडा तक 155 किलोमीटर और संगरिया से संतालपुर तक 762 किलोमीटर सहित कॉरिडोर का ग्रीनफील्ड खंड कार्य वन के उन्नत चरण में है, जिसमें वर्तमान में 400 किलोमीटर से अधिक का निर्माण किया गया है। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में से एक है। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका निर्माण पूरी क्षमता से किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के अनुसार पूरे कॉरिडोर को सितंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट की एक श्रृंखला में विशेष रूप से सूचित किया कि बीकानेर से जोधपुर तक 277 किलोमीटर लंबे खंड को पूरा करने का लक्ष्य है, साथ ही अपने साल के अंत तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि 1224 किलोमीटर लंबे अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर को NHAI द्वारा 26,000 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत से विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।